कहाँ है वो बुकलेट जो बोले थे? अच्छा ये देख पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो अभी आप लोग? यस सर। ओके, लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? ओके, लास्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन तक डिस्कस कर रहे थे, आज हम बताने वाले आपको सेल वॉल। ये सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल के लिए जो सबसे पहला शब्द हम लिखेंगे, दैट इज इट इज डेड। ये नॉन लिविंग है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और ये प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एंड इन यूकैरियोट्स। क्या यह सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाया जाता है? नो सर, एक्सेप्शन। ठीक है, कहाँ नहीं पाया जाएगा? माइकोप्लाज्मा में नहीं है। माइकोप्लाज्मा इज व्हाट? माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोट। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। Has no cell wall. Okay. What about animals? Animals too do not possess cell wall. Okay. इसके अलावा certain protista में भी, certain protista, certain protista too do not possess cell wall. Okay, protista जैसे युग्लिना हो गया, युग्लिना हो गया, इसके पास cell wall नहीं है, है ना? So role, what is the function of cell wall then? If cell wall is non-living component of cell, then what is its function? इसका फंक्शन होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। कि सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप, साइज, स्ट्रेंथ टू द सेल, है ना? इतना सारा प्रॉपर्टी प्रदान करता है सेल वॉल। ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वेरी गुड, सेलुलोज। ठीक है, इसके केस में प्लांट के केस में, ध्यान से इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? ओलंपियाड में आता है, सेलुलोज से बना हुआ है, किसमें? प्लांट। हिमांगी बताएगी इसमें सर, बैक्टीरिया, फंगस में फंगल काइटिन। वेरी गुड, एंड सर बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, एंड पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया, याद रखेंगे। ओके, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है ओलंपियाड में। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, है ना? चलिए एक चीज बताते हैं। ओके, सी सेल वॉल के पास दो कंपोनेंट होंगे, एक मैट्रिक्स कंपोनेंट होता है और एक होता है प्रोटीन फिलामेंट। ओके, सेल वॉल कंटेन्स
matrix and fibrous structures. समझने की कोशिश करेंगे. पिलर देखे हो ना आप, घरों में पिलर होता है. पिलर देखे हो ना? Yes. Okay. पिलर रहता है इस तरीके से, ठीक ना. सो पिलर के अंदर क्या क्या रहता है बताओगे जरा? पिलर के अंदर क्या रहता है? इस तरीके से रोड्स रहते हैं, रोड रहता है, ठीक है. और इसके अंदर कंक्रीट डालते हैं हम लोग. रोड रहता है, फिर कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट रहता है, रेत रहता है. रहता है कि नहीं रहता है? उसी तरीके से सेल वॉल, सेल वॉल हैज मैट्रिक्स एंड सम फाइब्रस कंपोनेंट, है ना. फाइब्रस कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे फाइबर्स हो गए, दीज आर फाइबर्स. फाइबर्स को पकड़ के रखने के लिए जो मैट्रिक्स रहता है, दैट इज एक्चुअली सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन, ठीक है. सो दिस इज मैट्रिक्स. येलो पोर्शन जो है ना, ये मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स ज्यादा अमाउंट में रहता है और उसके अंदर इम्बेडेड रहते हैं फाइबर्स, ठीक है. तो इस तरीके से रहता है. चलिए अब आते हैं बुकलेट का. डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. पहली बार सेल वॉल को किसने डिस्कवर करा था? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक कैसे डिस्कवर करे थे जी, याद करो जरा. रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? ही ऑब्जर्व द डेड सेल वॉल ना, उन्होंने डेड सेल वॉल को ऑब्जर्व करा था. तो डेड ऑब्जर्व करा इसका मतलब उन्होंने सेल के आउटर लेयर को ऑब्जर्व करा था. दैट वॉज इट्स सेल वॉल, है ना. सेल वॉल के कुछ कंपोनेंट है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल. खैर आप लोग को लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल. फॉर एग्जांपल दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है ना. जो सबसे पहला सेल वॉल होगा, जो पहला लेयर होगा, जैसे ही सेल डिवाइड हुआ उसके पास जो पहला लेयर होगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल. धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, दिस इज प्रोटोप्लाज्म, दिस इज प्रोटोप्लाज्म, ये मटेरियल सिक्रीट किया और यहाँ पे डिपॉजिट करता गया, यहाँ पे डिपॉजिट करता गया. इसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी, सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल. जैसे जैसे सेल ओल्ड होता जाएगा, बूढ़ा होता जाएगा, और मटेरियल का डिपोजिशन होगा, है ना, सेल वॉल और थिक होता जाएगा. और सेल वॉल बनेगा कहाँ? अंदर की ओर. नए नए सेल वॉल अंदर की ओर बनते रहेंगे, ऊपर की ओर नहीं बनेगा, अंदर की ओर बनेगा नए सेल वॉल. ये हो जाएगा आपका टर्शियरी सेल वॉल. समझ पाए कि नहीं? नए वॉल का फॉर्मेशन अंदर की तरफ होगा, ना कि बाहर की तरफ होगा, है ना. ये हो गया आपका प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मिडल लैमेला, मिडल लैमेला का जिक्र करा है, ये बताते हैं हम. मिडल लैमेला, फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, ये एक सेल देख पा रहे हो. चलिए फ्रेश बनाते हैं. दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, ठीक है. इस तरीके से सेल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल, है ना. तो एक सेल दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एड में रहते हैं, ठीक है. इस तरीके से एक सीमेंटिंग लेयर होगा सेल वॉल के बाहर, ठीक है. और क्या होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी होता है, दैट इज प्लास्मोडेस्माटा से, ठीक ना. इस तरीके से इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी होता है, इस तरीके से कनेक्शन भी होना है ना. सो ये जो मटेरियल देख पा रहे हो आप लोग दो सेल्स के बीच में, ये वाला मटेरियल जो पिंक कलर से ड्रॉ कर रखे हैं, है ना, एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल से अटैच्ड है, या फिर एक सेल दूसरे सेल से अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड मिडल लैमेला. इसी को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं मिडल लैमेला.
लैमेला, ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेन एंड मैग्नीशियम पेक्टेन, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ज्यादातर कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ रहता है, और यही ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। मिडल लैमेला इज जस्ट लाइक अ सीमेंटिंग मटेरियल, ये दो सेल को जोड़ के रखा है, ठीक ना, हिलने डुलने नहीं देता है, पकड़ के रखा है, ओके, है ना। जैसे ही फल पकने लगता है या फिर पत्ते बूढ़े हो जाते हैं, पौधे बूढ़े हो जाते हैं, ये सीमेंटिंग मटेरियल नरम होने लगता है, सीमेंटिंग मटेरियल नरम होने लगता है, लूज होने लगता है, लूज होने के चलते एक सेल दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट छोड़ने लगते हैं, जिसके चलते फल या पत्ता जो होता है वो पल्पी हो जाता है ना, पल्पी होने लगता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, मिडल लैमेला से क्वेश्चन आता है, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ व्हाट, सो इट इज मेड अप ऑफ मांगी, हेलो, अच्छा कर दी सर, बना दिए। कब से नेटवर्क गया है? अभी जस्ट गया है, बहुत पहले से गया था, अभी जस्ट गया सर। कहाँ तक गया, कहाँ तक ना समझ में आया, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों होते रहता है? हेलो, अरे यार क्या हो गया, और अगर
क्या हेलो यस सर हाँ जी मिडिल लैमेला हो चुका था ना फल पक जाते हैं क्योंकि मिडिल लैमेला डिग्रेड हो जाता है उसके बाद मैंने ये सब बताए थे सेलुलोज का सेलुलोज इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल उसके अलावा ये सब भी होते हैं पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो इसे आप लोग के लेवल में पूछेगा नहीं ये हाँ ये बता चुके थे ये सब तो बता ही चुके हैं अभी आते हैं क्वेश्चन पे व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हु कैन से व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कम ऑन टेल मी प्लाज्मा मेम्ब्रेन Plasma membrane is a selective permeable membrane surrounds the cell wall, surround the cytoplasm. Likho, plasma membrane is selective permeable membrane. Which surrounds the cytoplasm. Na kafi hai. Kitna definition kafi hai plasma membrane ke liye. Dusra question. Give the name of three basic molecule of the plasma membrane. Plasma membrane ke three basic molecules ka naam batana hai. Aap de sakte ho protein. Cholesterol. Sir, lipids. Lipid. Very good. ठीक है protein you can write, cholesterol you can write, lipid you can write. है ना? Number three. Why plasma membrane is called as selective permeable membrane? इसीलिए कहते हैं because regardless of size of molecule, those elements which are required by cell can easily pass through it, है ना? इसको selective permeable इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी material जरूरत वाला हो तो ये पास हो जाएगा साइज कितना भी बड़ा हो कितने भी बड़ा हो कहने का मतलब ये नहीं क्रिस्टल साइज का हो जाए शुगर के साइज का हो जाए नहीं है ना जो बायोमोलिक्यूल का साइज होता है जो बायोमोलिक्यूल्स के साइज होते हैं जरूरत जितना पड़ेगा उतना यूज हो जाना है एक्रोस हो जाएगा ओके एक्रोस होना है ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको रब कैसे करूंगा चलो नेक्स्ट व्हाट इज डिफ्यूजन हु कैन से डिफ्यूजन बताएगा कौन Sir, diffusion is the movement of ions from higher concentration to lower concentration. Answer, it does not require any semi-permeable membrane. ठीक है ये भी चलेगा ये चलेगा definition. बाकी सब लोग के पास कोई definition नहीं है. Define osmosis. Osmosis. Sir, movement of ions from its higher concentration to its lower concentration osmosis ke liye ye nahi hoga osmosis is the movement of water osmosis water ke liye use karte hain water movement from higher concentration to lower concentration now ye what is active transport Active transport क्या है? Active transport is transport of biomolecules
biomolecules across plasma membrane with the need of ATP. With the investment of ATP. That is called active transport. For example, this is plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सो ये मटेरियल को साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करवाना है. तो क्या होगा, ये मटेरियल यहाँ तक आएगा. यहाँ पे जो पोर्स है, यहाँ पे जो पोर्स होंगे वो ओपन होंगे, और इन पोर्स को ओपन करवाने में मदद करेगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके चलते ये पोर, ये चैनल ओपन होगा और ए मॉलिक्यूल अंदर की ओर एंटर कर जाएगा. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद द नीड ऑफ एटीपी. एनर्जी का खर्च पे मटेरियल का मूवमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, इज द प्लांट सेल वॉल इज लिविंग और डेड? डेड. वेरी गुड, डेड है ना, डेड है. यदि प्लांट सेल सेल वॉल को हटा देंगे, यदि सेल वॉल को यदि हटा देंगे हम, पौधा मरेगा क्या, मतलब सेल मरेगा क्या? कौन चल में एंटर देंगे? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, मरेगा नहीं. यदि सेल वॉल को हटा देते हैं, बैक्टीरिया से हटा देते हैं या फिर प्लांट से हटा देते हैं, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा. लेकिन लंबे समय तक रहेगा तो हो सकता है मर जाए. ओके, बैक्टीरिया सेल वॉल से थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन ये 10 खत्म हो जाएगा. बताएंगे व्हाट विल हैपन इफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक आर एडेड टू प्योर वाटर. क्या होगा जी? फ्यूजन ऑफ इंक इनटू सर वाटर. वेरी गुड, इंक में क्या हो जाएगा, इन सबका डिफ्यूजन हो जाएगा, है ना, डिफ्यूजन होगा इसमें. इधर डालोगे इंक तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूरे में डिफ्यूज कर जाएगा. व्हाट विल हैपन टू प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन. क्या होगा जी, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे. कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब, यस, फॉर एग्जांपल दिस इज कंटेनर, ये सेल है, सेल के अंदर हमने कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब सॉल्यूट जो है वो हाई है और सॉल्वेंट कम है एज कंपेयर टू द सॉल्यूट प्रेजेंट हियर एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट हियर. बताओ जी क्या होगा, सेल सेल विल श्रिंक. ओके, कौन सा ऑस्मोसिस होना है सर? प्लास्मोलिसिस. ओके, एक्सोस्मोसिस होना है, प्लाज्मोलिसिस होना है, हाँ, प्लाज्मोलिसिस और एक्सोस्मोसिस होना है, जिसके चलते इसका जो शेप होगा, इट विल गेट व्हाट, श्रिंक. वेरी गुड, व्हाट विल हैपन टू रेजिन्स व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर. रेजिन, दे विल स्वेल अप. रेजिन है क्या, क्या है? किशमिश. ओके, किशमिश क्या डा. ओके, किशमिश को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. ओके, चीनी को, चीनी बोल रहे हैं, चना को डालेंगे तो क्या होगा, चना को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, दे विल स्वेल अप. ओके, ठीक है ठीक है, तुम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, बॉडी विल स्वेल अप. ओके, स्वयं को पानी में डाल दिया गया, क्या होगा स्वयं तुम्हारे साथ, क्या होगा जी? हाँ बोलो, स्वेल हो जाएगा बॉडी. कुछ नहीं होगा. कोई स्वेलिंग ट्राई नहीं किया है सर, ट्राई नहीं किया है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो तो सेलेक्टिव परमिएबल है ना, सेलेक्टिव परमिएबल है, पानी जरूरत है ही नहीं अंदर बॉडी के अंदर, तो क्यों पानी एंटर करेगा, है ना, ऐसे ही रहेगा, इट वॉन्ट डू एनी चेंज, कोई बदलाव नहीं होना है शरीर के अंदर.
चलिए हम बताने वाले थे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ना, बैक्टीरियल सेल वॉल थोड़ा सा बता दे। बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये सेल वॉल है ना। बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर होता है, ठीक है, लेयर होता है सेल वॉल के अलावा भी एक लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट हिमांगी सर, सिस्ट। क्या 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 बोली? सिस्ट, CYST। सिस्ट नहीं सर, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता है। कैप्सूल या समबडी अटर्ड कैप्सूल। मिश्रा जी कहाँ है जी? मिश्रा जी नहीं है क्या सर? मेरे को बोले क्या? अच्छा हाँ, अच्छा हो तुम यहीं पे जवाब दे रही हो तुम। हाँ मिश्रा जी है, कैप्सूल है, ओके, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, है ना। ये कैप्सूल करता क्या है? दिस कैप्सूल प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द बैक्टीरिया। और जैसे हम टैबलेट्स खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, एंटीबॉडी होते हैं या फिर कोई भी केमिकल होता है, ठीक ना, एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक ना, ये एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक इफिशियंटली काम नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, है ना। तो इसीलिए बैक्टीरिया को किल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो याद रखेंगे, बिसाइड नॉर्मल सेल वॉल बैक्टीरिया पोसेस अनदर प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज कैप्सूल, है ना। वो बहुत ही क्या बोलेंगे, स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, किसी किसी केसेस में रफ भी होता है। और कैप्सूल के प्रेजेंट होने से बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, बैक्टीरिया को बोल सकते हैं कि इम्यूनाइज्ड हो रखा है, बोल सकते हैं कि वो इम्यूनाइज्ड हो रखा है, या फिर जब आसानी से उसको केमिकल कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई केमिकल डिग्रेड नहीं कर सकता उसको, है ना। इसके अलावा सेल वॉल कंपोजिशन और कैप्सूल, ठीक ना, इन दोनों के बेसिस पे, ज्यादातर सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो भागों में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम आयोडीन प्लस सैफ्रनिन से, ठीक ना, आयोडीन प्लस सैफ्रनिन से ट्रीट करेंगे ग्राम पॉजिटिव को भी, ग्राम नेगेटिव को भी। सो ग्राम पॉजिटिव गिव्स विच कलर एंड ग्राम नेगेटिव गिव्स विच कलर? याद आ रहा है कुछ? ग्राम पॉजिटिव गिव्स व्हाट कलर? कम ऑन, आई एम गिविंग यू ऑप्शन, वायलेट कलर एंड सैफ्रनिन कलर। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस प्रकार का कलर देगा? Come on, ग्राम नेगेटिव किस प्रकार का स्टेन देगा? चलिए एक हिंट देते हैं, ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल जो है वो बहुत ही मोटा है, नहीं पता चला। चलिए हम बता दे रहे हैं, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव गिव सैफ्रनिन कलर and gram positive it gonna give violet color। याद रखेंगे, यही क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को एग्जाम में, ओके, ग्राम नेगेटिव के पास किस तरीके का कलर आना है और ग्राम पॉजिटिव के पास किस तरीके का कलर आना है। सो ग्राम नेगेटिव हैज सैफ्रनिन कलर व्हाइल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पोजेस वायलेट कलर, और
gram positive negative bacteria is more dangerous. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर डेंजरस होता है क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, जल्दी मरता नहीं है क्योंकि इसका सेल वॉल बहुत ही मोटा रहता है. ओके, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के शुगर्स प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. यदि हम डायग्राम दिखाएं ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव सेल वॉल का तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. इसको आप लोगों को पढ़ना होगा क्लास 11th में. जी देखो, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल थोड़ा मोटा होगा. देख पा रहे हो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर. ओके, ये रहा ग्राम नेगेटिव. ग्राम नेगेटिव सेल वॉल मोटा रहेगा और पॉजिटिव पतला रहता है ना. सो मोटा मोटी रीजन क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होता क्या है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट एक ब्लू कलर का डाई है, स्टेन कर देते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, क्रिस्टल वायलेट डाल देते हैं है ना. उसके बाद आयोडीन डालते हैं, आयोडीन फिक्सेटिव का तरह काम करता है, मॉडरेट का तरह काम करता है ना. उसके बाद अल्कोहल से धोते हैं, अल्कोहल से धोने के बाद फिर से हम सैफरनिन डालते हैं. पैटर्न समझेंगे, सबसे पहले हमने क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट, फिर हमने आयोडीन डाला, वॉश किया, अल्कोहल से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हम सैफरनिन डालते हैं, ऑरेंज कलर का होता है सैफरनिन. उसके बाद फिर से वॉश करते हैं, अल्कोहल से वॉश करेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे हम लोग. So, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, यदि सैफरनिन कलर आया तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ब्लू कलर ही रहा तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. रीजन क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो वॉल होता है वो ज्यादातर अल्कोहल होता है, अल्कोहल में डिजल्व होने के चलते ब्लू वाला स्टैंड वॉश आउट हो जाता है और उसके पास खाली जगह बचता है कि सैफरनिन को रिसीव कर सके. इसीलिए वो सैफरनिन को रिसीव कर लेता है और फाइनली
मैसेज कर चार कोरोना 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 ओके मिश्रा जी सुनाई दे रहा है जी मिश्रा जी को मिश्रा जी कौन है नहीं पता तुम लोग तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारे क्लास में कौन कौन है नहीं लगता है हाँ स्मृति अच्छा वो मिश्रा है स्वयं ओके स्मृति बताओगे ड्रम स्टेनिंग प्रोसेस में जिस बैक्टीरिया का कलर वायलेट कलर आया था वो कौन सा बैक्टीरिया था ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में जिस बैक्टीरिया का कलर फाइनली वायलेट कलर आया था तो वो कौन सा बैक्टीरिया है हिमांगी सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर क्या रहेगा सैफ्रन ठीक है सैफ्रन कलर ऑरेंज कलर बोल सकते हो ना रेड कलर बोल सकते हो ओके ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया किसके बेसिस पे करार किया गया किसके बेसिस पे निर्धारित करा गया सर ग्राम स्टेनिंग में जो भी स्टेन को मतलब जिसका सैफ्रन आया वो ग्राम नेगेटिव और जिसका वायलेट आया वो ग्राम पॉजिटिव ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ डाई as well as on the basis of their cell wall composition hai na cell wall composition ke basis pe hi gram staining alag alag result dikhate hain okay chaliye aage badhte hain kahan gaya yahan okay chaliye ab hum aate hain cell ke kuch component pe jaise ki aap cell dekh pate ho to cell has a membrane and protoplasm सेल मेम्ब्रेन है ना प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो इट हैज टू कंपोनेंट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ठीक है इतना तक ही रहेंगे और ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे पूछता भी नहीं है और इतना रिलेवेंट भी नहीं है साइटोप्लाज्म कहाँ गया यार साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बोथ कंस्टिट्यूट प्रोटोप्लाज्म है ना प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल ओके ठीक है हाँ आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो प्रेजेंट रहते हैं साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स याद रखेंगे साइटोप्लाज्म हैज टू कंपोनेंट साइटोसोल एंड द सेल ऑर्गेनल्स ये दोनों को मिला के ही हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं साइटोसोल इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट मैट्रिक्स पार्ट को हम लोग साइटोसोल कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल्स आते हैं स्टार्च आता है एंजाइम्स आते हैं ओके ये सब कंपोनेंट आते हैं है ना आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज ओके हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं हम कमिंग टू सेल ऑर्गेनल्स हम यहाँ पे आते हैं सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं गॉल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम है ना ये सब को हम लोग क्या कहेंगे सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे या सब सेल्स भी कहते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सब सेल्स ओके प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था फोरगेंजी ने दिया था ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है बहुत ही रेयर व्हाट इज द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म ये क्वेश्चन आ सकता है साइटोप्लाज्म का पीएच कितना है सो इट इज न्यूट्रल होता है न्यूट्रल मतलब कितना पीएच न्यूट्रल पीएच हाँ सेवन पीएच होना है
ओके और वैक्यूल के अंदर का पीएच कितना होगा? वैक्यूल के अंदर का पीएच लो होता है, इट इज एसिडिक, 5-6 के आसपास रहता है, ठीक है? चलिए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके सेल ऑर्गेनेल को डील करते हैं। प्रोटोप्लास्ट, स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियस से। थोड़ा बहुत तो पढ़ा रखे होंगे आप लोग भी क्लास 8 में न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या जानते हो जल्दी से बताओ, सब लोग अपना ज्ञान बांटो जी न्यूक्लियस के बारे में, जिसको जिसको जितना पता है बोलते जाओ। कमान बताओ जी, न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या जानते हो सर? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेल देयर इज अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है चलो, ये तुम क्या पढ़ रखा है सर, रट रखे हो यार? सर याद था ओके चलो, ब्रेन ऑफ द सेल, ये मुझे अच्छा लगा। और इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस। ए कहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ गए, पहुंच गए न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? कौन बोला ये, कौन है ये? हाँ तुम केमिस्ट्री फिजिक्स कंटेन्स क्रोमोसोम्स, हाँ ये हुई ना बात, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में पहुंच गया, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है। Sir, in chromosomes there are DNA which help in other parts. Sir, there are suspended chromatin fibers which condense to form chromosomes at the time of cell division. Very good. रट रखी हो जी। नहीं सर, आप पिछले साल याद करवाए थे ना। अच्छा सर, it has a covering known as nuclear membrane. Very good. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बहुत सही। हां सर, वो डबल मेम्ब्रेन होता है। हां ठीक है। और सर, जेली लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्स द न्यूक्लियस। वेरी गुड। जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। यस सर। किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन। यस, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। ओके चलिए, न्यूक्लियस कहाँ हो गया? हाँ इस पे आते हैं, न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस। सो जैसे ही किसी ने कहा, इट इज डबल मेम्ब्रेन। सो डबल मेम्ब्रेन इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम बना दिए, है ना? इसके बीच में गैप प्रेजेंट है, उस गैप को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। सर न्यूक्लियर पोर्स। पोर फंक्शन क्या होगा? Sir, passage of particles from sir outside the nucleus. Nucleoplasm. हाँ, nucleoplasm से cytoplasm में material का exchange होना है। इसका movement होगा, mRNA का movement होता है, tRNA का movement होता है, ठीक? इन सभी का movement होगा। यहाँ पे एक cloudy structure होता है,
this cloudy structure is called what? Nucleolus, है ना? और यहाँ पे इस तरीके कुछ thread like structures present रहते हैं, रस्सी की तरह. इन रस्सी की तरह structures को क्या बोलेंगे? Chromatin fiber. Chromatin fiber. Okay, chromatin fiber. Chromatin fiber. These fibers are the hereditary materials. These are the nucleoplasm. Nucleoplasm हो जाएगा ये, है ना? हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे. यहाँ पे जो हम membrane draw किए हैं ना, outer membrane. इस outer membrane से एक organelle extend होता है. Can you name this organelle? Endoplasmic reticulum. Very good, है ना? Nucleus, ये वो region, nucleolus, ये वो region है जहाँ से ribosomal RNA का synthesis होता है. Ribosomal RNA बनता है यहाँ पर, के rRNA बनता है, rRNA बनता है यहाँ पर. So हम focus करेंगे chromatin fiber पे, chromatin fiber पे, chromatin fiber. Chromatin fiber कुछ इस तरीके से structures है ना? ये condense होते हैं. Condense मतलब ये कंडेंस होते हैं कब? जब सेल डिवीजन होना होता है तभी. कंडेंसेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन. उससे पहले नहीं होते, उससे पहले नहीं होते. सेल डिवीजन से पहले ये कंडेंस नहीं होते हैं. नॉर्मल कंडीशन में क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में ही रहते हैं, है ना? क्योंकि इनको प्रोटीन बनाना होता है तो क्रोमेटिन फॉर्म में ही बनाएंगे. जब ये कंडेंस हो जाएंगे सो दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर like this. और डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, ये मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके ऊपर. बस सहूलियत के लिए हम लोग अच्छे से इसको थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से. हाँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? क्रोमोसोम. क्या कहेंगे इसको? क्रोमोसोम कहेंगे. Chromosome is the condensed structure of the chromatin. Chromosome. In human, how many chromosomes are there? Human, there are how many? 23 pairs. Or 46 chromosomes. 46 na? Chromosomes are there. कितने होते हैं, कैसे हम इस तरीके से बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम हुआ. सेम इसी का तरह कॉपी क्रोमोसोम एक और होगा इस तरीके से. दिस इज क्रोमोसोम नंबर वन, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर वन, है ना? दोनों ही क्रोमोसोम नंबर वन है. इन दिस केस दिस टू क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, दीज टू क्रोमोसोम्स are called, क्या बोलेंगे जी? Homologous chromosome. Homologous chromosome. क्या कहेंगे? Homologous chromosome कहेंगे. Now I'm making chromosome number 2. For example, this is chromosome number 2. ये भी chromosome number 2 है. Chromosome number 2, chromosome number 2. इन दोनों को भी अब क्या कहेंगे? Homologous chromosome, है ना? अब यहाँ पे यदि हम पॉइंट आउट करना चाहें ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम, तो इन दोनों को साथ में हम किस प्रकार का क्रोमोजोम नाम देंगे? हिमांगी सर, आई डोंट रिमेम्बर बट मे बी एलोजोम. हेटरोलोगस. अच्छा, सॉरी. हेटरोलोगस क्रोमोसोम. क्या कहेंगे? हेटरोलोगस, हेटरोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे. करेक्ट ना? सो देखिए, यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हो गए, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम्स हो गए, है ना?
अब हम तीसरा पेयर बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थर्ड पेयर क्रोमोसोम, ये थर्ड पेयर क्रोमोसोम हो गए. तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए, चार हो गए. ऐसे करते 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 है ना, ऑल टुगेदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो क्रोमोसोम, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा. लास्ट को टोटल करेंगे तो ऑल टुगेदर कितने क्रोमोसोम आएंगे, 46. ये एक पेयर हो गए, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, यहाँ तक लास्ट तक आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 23rd पेयर, है ना. देखो इस तरीके से यदि हम यहाँ पे बनाना चाहें इस तरीके से हो जाएगा, एक एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम, पांचवा, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस. ठीक है, दिस इज 23rd क्रोमोसोम, 23rd क्रोमोसोम. और ये मेल क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम बनाए हैं वो किसका है, मेल का. कैसे पता चला ये मेल का, क्योंकि यहाँ पे जो 23rd क्रोमोसोम है एक का शेप बड़ा है और दूसरे का शेप क्या है, छोटा है. मीन्स ये हो गया आपका एक्स क्रोमोसोम और ये है आपका वाई क्रोमोसोम. ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये, इस तरीके से. सो मेल का हमने आइडियोग्राम बनाया है इस तरीके से. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्रोमोसोम इन दिस शेप, इस तरीके का क्रोमोसोम आपके पास है. क्रोमोसोम मतलब कलर्ड बॉडी, CHROMOSOME, क्रोमोसोम. क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, जोम मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडी, दैट इज क्रोमोसोम. हाँ, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिड. इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिड आर्म, है ना. इसको पी आर्म कहेंगे, इसको क्यू आर्म कहते हैं. पी आर्म ऊपर वाले, क्यू आर्म नीचे वाले को. कहाँ गया ये, उल्टा क्यों हो जा रहा है. ठीक है, पी आर्म और क्यू आर्म सुन पा रहे हो ने जी, ये yes. ये बीच में जो कंस्ट्रक्शन है, बीच में एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर. हाँ, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डिस्क शेप में. डिस्क डिस्क दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट सर, काइनेटो समथिंग, काइनेटो कोर, के आई एन ए टी ओ सी एच ओ आर, काइनेटो कोर कहेंगे इसको. ओके, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिड. इन दोनों को हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड. क्या कहेंगे इन दोनों को, सिस्टर क्रोमेटिड. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ. इन दोनों को हम कहेंगे, एक साथ यदि कहना चाहेंगे तो इन दोनों को कहेंगे हमको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, करेक्ट है ना. इसका स्ट्रक्चर अब थोड़ा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से दिखेगा. ओके, और थोड़ा सा इसको रिफाइन करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, इस तरीके से. ओके, इसको और थोड़ा रिफाइन करके देखोगे आप, जूम करके देखोगे
तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। ओके, इस एरिया को थोड़ा और रिज्यूम करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखो ना ऐसा स्ट्रक्चर। यस, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके से रहता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये कैप जी और ए, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। इसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड। इसको हम कहते हैं कंप्लीट हेलिक्स। ये क्लास टेंथ में पढ़ोगे आप लोग, इतना ही रहने देते हैं यहाँ तक, आप लोग के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो देख रहे हो ना, ए टी जी सी, ये एक सीक्वेंस बनाते हैं और कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस इसको जी, व्हाट इज जी, जीन का डेफिनेशन होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए बोल सकते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड जीन। जीन इज द GENE, gene is the heredity material, heredity or hereditary material which passes from one generation to next generation. Hataiye, how many chromosomes we have? Human has how many chromosomes? 23 pair, na? 23 pair, that is 46 chromosomes. ध्यान देंगे आप, यहाँ पे जो 22 pairs है, 22 pairs को हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहेंगे? हाँ हाँ बोलो। ऑटोसोम। हाँ ऑटोसोम्स, जो 22 pairs है, that is called autosome, AUTOSO, autosomes, है ना? और जो 23rd पेयर है, sex chromosome, allosomes, हाँ, that is called sex chromosome या फिर और also known as what? Allosome, that is also known as allosome, है ना? इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, इस तरीके से, समझ पा रहे हो? इस तरीके से 22 पेयर प्लस XX, 22 पेयर प्लस XY, ये किसका हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन फीमेल का हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन मेल का हो जाना है, करेक्ट, है ना? सो ऑटोसोम का फंक्शन क्या होगा? ऑटोसोम का फंक्शन मेंटेन करता है जेनेटिक, हाँ, नहीं नॉर्मल फिनोमेनन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं ना हमारे शरीर में, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, दैट कंट्रोल्स ऑटोसोम, मेंटेन्स नॉर्मल, मेंटेन्स नॉर्मल प्रोसीजर्स इन बॉडी, है ना? ऑटोसोम, एलोसोम क्या करेगा? ये इंपार्ट करता है, इंपार्ट्स मेलनेस और फीमेलनेस,
ठीक है, मेलनेस और फीमेलनेस, मेल का कैरेक्टर, ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टर, फीमेल का डिफाइनिंग कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ दिस एलोसोम, एक्स वाई क्रोमोजोम या फिर एक्स एक्स क्रोमोजोम के चलते होता है ना। हाँ, ये हो गया ऑटोजोम एलोजोम बता दिए। नेक्स्ट आते हैं हम सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस मीन्स माइटोसिस एंड मियासिस। माइटोसिस और मियासिस। माइटोसिस क्या होता है जी? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन है ये। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स इफ द मदर बॉडी हैज डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम देन आफ्टर डिवीजन इट गोना गिव राइज टू डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में ये होता है। मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस इट इज कॉल्ड रोडक्शनल। इसको क्या कहेंगे? रोडक्शनल डिवीजन है ना। डिप्लॉयड सेल है, इसका रिप्रोडक्शन, इसका डिवीजन होगा मियोसिस वन से, हैप्लॉयड सेट बना, फिर इसका डिवीजन होता है जिसको हम लोग कहेंगे मियोसिस टू, उसको मियोसिस टू कहेंगे, फिर से इसी तरीके का सेल बनता है ना। तो ऑल टुगेदर कितने सेल बन गए? चार हैप्लॉयड सेल बनते हैं, फोर हैप्लॉयड सेल बनते हैं। नाउ व्हाट इज डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड? डिप्लॉयड क्या होता है और हैप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड मींस कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। हैप्लॉयड मींस गैमेट्स होते हैं क्या? क्या सर? हैप्लॉयड गैमेट्स होते हैं? ज्यादातर गैमेट्स होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, जितना फंगस है सब हैप्लॉयड ही होता है ना। जरूरी नहीं है कि गैमेट्स ही हैप्लॉयड हो, लोअर ऑर्गेनिज्म फंगस पूरा का पूरा हैप्लॉयड होता है ना। क्लामाइडोमोनास हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड मींस पोसेसिंग ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉयड। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिप्लॉयड, व्हाट इज हैप्लॉयड? हैप्लॉयड में लिखेंगे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होना, डिप्लॉयड कहेंगे पेयर ऑफ क्रोमोसोम होना। डिप्लॉयड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, हैप्लॉयड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n से, है ना। सो मियोसिस माइटोसिस अभी आप लोग को सिलेबस में ऐड करा गया है, एनसीईआरटी में ऐड किया है, मियोसिस माइटोसिस हैप्लॉयड डिप्लॉयड के जीन क्या होता है ये सब ऐड किया गया। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछो, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। मैं कुछ पूछना है पूछेंगे आप। सर स्पाइरोगायरा इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड? स्पाइरोगायरा इज व्हाट? इट्स एन एल्गी ना? यस एल्गी है, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा के अंदर जायगोट बनता है, वो 2n बनता है, फिर उसके अंदर मियोसिस होता है, ओके। लैटरल कंजुगेशन स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनास इज हैप्लॉयड, स्पाइरोगायरा के अंदर 3 मर जाता है, 1 बचता है, ठीक है, 1 बचता है। रुको हम देख के बता रहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। It is diploid, perhaps. Yeah. Diploid है, spirogyra. Thank you, sir. Confirm करते हैं, okay? It must be diploid. Confirm करते हैं. Wait a minute. और बताओ. और पूछो. सर ऐसा कोई सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन सेल वॉल है?
ना ऐसा कुछ नहीं, सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिक यूनिट, ठीक ना, बेसिक यूनिट है वो किसी भी लिविंग सेल का, वो होना ही होना है ना। सर वी हैव स्टडीड अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो सर पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, उस प्रोटीन चैनल से मॉलिक्यूल्स पास होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को पास करवाने के लिए एटीपी का खर्च नहीं होता। नेक्स्ट, सर माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल स्टडी है क्या? किसके बारे में सर? माइटोसिस और मियोसिस, क्या बोल रहे हो सर? माइटोसिस और मियोसिस के बारे में और भी डिटेल स्टडी है? नहीं नहीं नहीं, इतना ही है। आप लोगों को डिटेल स्टडी है 11th में, ठीक ना, 11th में है ये। एनसीईआरटी में यदि दिया होगा तो हम बता देंगे। ओके, सर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन सर उसके बारे में, हिस्टोन प्रोटीन बताते हैं। ठीक ना। हाँ क्या बोल रही थी सर? हिस्टोन प्रोटीन, हाँ हिस्टोन प्रोटीन एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है, विच हेल्प्स इन द रैपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, 765, जैसे कि ये रहा आपका डीएनए, ठीक है, ये डीएनए, ओके, डीएनए इस तरीके से। सो इस डीएनए को एक मटेरियल चाहिए होता है, दिस इज दैट मटेरियल, दिस इज दैट मटेरियल, इस मटेरियल के ऊपर डीएनए रैप होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक, वेट वेट, लेट मी शेयर स्क्रीन। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। हां, दिस इज हिस्टोन, फॉर एग्जांपल दिस इज हिस्टोन, ये सब क्या है? हिस्टोन है ना, हिस्टोन प्रोटीन है एक प्रकार से। इसके ऊपर डीएनए रैप किया हुआ है, डीएनए रैपिंग कर रखा है, रैपिंग मतलब लपेटा हुआ है, डीएनए इस तरीके से लपेटाए हुए हैं। सो डीएनए का साइज देखेंगे तो लगभग कितना, 2 मीटर के आसपास, ठीक है, 2 मीटर से भी ज्यादा निकलेगा। अब सोचो 2 मीटर के आसपास डीएनए का साइज छोटे से सेल के अंदर कैसे रख सकते हैं? साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉर एग्जाम्पल माइक्रोन है, 1 माइक्रोन है फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस का साइज, और 2 मीटर साइज हो जाएगा डीएनए का। तो भैया 2 मीटर साइज का डीएनए हम 1 मीटर साइज के अंदर कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? सो उसको फोल्ड करके एस्टेब्लिश करते हैं। तो फोल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है? फोल्ड करने के लिए एक हमें प्रोटीन चाहिए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन बिंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ये डीएनए इसके ऊपर रैपिंग करता है, फोल्डिंग करता है, जिसके चलते डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आटे जाता है। सो हिस्टोन प्रोटीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हेल्प्स इन द पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मदद करता है। मतलब किसमें? किसमें? हिस्टोन में सर, ह्यूमन बॉडी। अरे यार, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का नाम हम कितना बताएंगे, 1000 सर देर, 1000 है, उससे भी ज्यादा ही होंगे।
we cannot count the number of protein. We cannot count. We cannot count the number of protein present in a cell, in a body. ना एसिडिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, अल्कलाइन प्रोटीन है, न्यूट्रल प्रोटीन है, ओके, आपका इलास्टिक प्रोटीन है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोटीन है, डिफेंसिव प्रोटीन है, ना कोलेजन प्रोटीन, मेनी आर देयर। पर डीएनए कैसे ट्रैप किया होता है? हिस्टोन फॉर एग्जांपल, ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे इसको। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हिस्टोन, ठीक ना, ये रहे हिस्टोन के सब यूनिट्स, इस तरीके से होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर। ये रहा डीएनए, डीएनए इसको पर आता है, इस तरीके से रैपिंग करता है, इस तरीके से। दिस ग्रीन कलर इज डीएनए, और ये रहता है एच वन प्रोटीन, हिस्टोन वन प्रोटीन, इस तरीके से। जैसे कि आप मान के चलो कोई बॉल है ना, कोई बॉल है, उस बॉल के ऊपर रस्सी लपेटा हुआ है, समझ पा रहे हो? बॉल के ऊपर रस्सी लपेटा हुआ है, इसी तरीके से रैपिंग होती है। एक डायग्राम दिखाते हैं हम आपको, देखेंगे जरा डायग्राम। पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखेंगे इस तरीके से। छोटा डायग्राम देख पा रहे हो? देख रहे हो? यस सर। डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम दिखा है ना, ये रहा डीएनए, और ये जो छोटे छोटे बॉल्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बॉल लाइक, ये छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं, दैट इज हिस्टोन, है ना। ये हिस्टोन 8 मिल के एक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं। जो हम बड़ा गोल सा दिखा रहे थे ना, वो यही है, एक बड़ा गोल दिखा रहे हैं ये, इसके अंदर छोटे छोटे गोल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमस, हिस्टोन प्रोटीन्स। उसमें रहता है H2A, H2B, H3 and H4, सब डाइमर के फॉर्म में होते हैं। हाँ हाँ, कौन? यहाँ पे सुपर कॉइल्स लिखा है, वो क्या है? सुपर कोइलिंग, फर्दर कोइलिंग हो रहा है, फर्दर कोइलिंग हो रहा है, अपने में लपेटा रहे हैं, अपने में ही लपेटा रहे हैं, है ना, अपने में ही फर्दर लपेटा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर कोइल्स। खुद में फोल्ड हुआ, फिर और खुद में फोल्ड हुआ, ऐसे ऐसे करते करते इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो और कुछ स्ट्रक्चर होगा तो दिखाते हैं, और कुछ डायग्राम है तो दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, इस तरीके से रैपिंग होती है, अपने में ही कोइल होते जाते हैं, अपने में ही फोल्ड होते जाते हैं, जैसे कि रस्सी देखे हो, रस्सी, कोई भी धागा देखे हो, धागा, कोई भी धागा एक ले लीजिए। हेलो हेलो, हाँ, धागा ले लेंगे तो दिख रहा, आपस में लपेटेंगे एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर से उनको आपस में लपेटेंगे एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर से आपस में लपेटेंगे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से फर्दर कोइलिंग होते रहता है, होते रहता है, अल्टीमेटली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हो, डायग्राम में दिख रहा है, रेड कलर है हिस्टोन प्रोटीन, उसी के ऊपर डीएनए की रैपिंग हो रखी है, देख पा रहे हो? और देखो फाइनली क्रोमोसोम बन जा रहा है ना, इस तरीके से बनावट होता है क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन
सर बायोलॉजी में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं? हाँ हाँ थोड़ा बहुत होता है। और सर थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। ये कौन है भाई बायोटेक के बारे में पूछ रहा है? हु इज दिस, हु इज दिस अभिषेक? नो सर। तो कौन पूछ रहा है जी बायोटेक के बारे में? लक्ष्य। लक्ष्य 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 कुमार। यस यार क्या बात कर रही हो यार तुम बायोटेक के बारे में पूछ के? क्या जानना है तुम्हें बायोटेक के बारे में? ये शब्द तुम सुने कहाँ पे? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी कहाँ है, बायोटेक कहाँ है? ठीक है हम एक लाइन में समझाएंगे बायोटेक्नोलॉजी आपको। बस एक एक शब्द में हम समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक पौधा है, ठीक है ये एक पौधा है। इस पौधे का जो फ्रूट है स्मॉल है, छोटा है, ठीक है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही स्वीट है ना। यहाँ पे एक दूसरा पौधा है, इसका फ्रूट साइज बहुत ही बड़ा है, फ्रूट साइज बहुत ही बड़ा है, फ्रूट साइज बहुत ही बड़ा है लेकिन स्वीट कुछ भी नहीं है, स्वीटनेस है ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इसका जीन हम लोग निकालेंगे, ये ए पौधे का जीन निकालेंगे हम सर। हाउ? ए पौधे का, हाँ हाउ, ये लंबा चौड़ा स्टोरी है, ठीक है हाउ आते हैं, हाउ क्या, ठीक है इसका हमने डीएनए निकाला, दैट डीएनए कोडिंग फॉर द स्वीटनेस ऑफ दिस फ्रूट। इस डीएनए को हम क्या कर देंगे, इस पौधे के अंदर इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। इसके चलते क्या हो जाएगा, अब इस पौधे के पास भी, मतलब इस पौधे का जो नए जनरेशन होंगे इसके पास भी प्रॉपर्टी आ जाएगा कि वो बड़ा बड़ा फल प्रोड्यूस करें, फ्रूट साइज बड़ा हो और स्वीट भी। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देना, that is biotechnology, that is genetic engineering. यही है biotechnology, यही है genetic engineering. सर इसमें कैसे क्यों वैरी करेगा, फ्रूट साइज क्यों नहीं करेगा? क्या 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 सर, इसमें फ्रूट साइज छोटा क्यों नहीं हो गया, स्वीटनेस ही क्यों बढ़ा? अरे भाई ये तो अब इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था ना, इसका तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था ना फल का साइज बड़ा होना, इसका जीन कंट्रोल कर रहा है। इसका इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी था कि ये स्वीटनेस ज्यादा हो, छोटा साइज हो। कटहल का साइज बड़ा होता है, पम्पकिन का साइज बड़ा होता है, ठीक ना, जुजुपस जुजुपा का साइज छोटा होता है, बैर जिसको बोलते हैं, टमाटर का साइज छोटा होता है, वाटरमेलन का साइज बड़ा होता है। दैट इज देयर इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, वो खुद का प्रॉपर्टी है उनका, वो उनका डीएनए डिसाइड करता है। एलिफेंट का साइज बड़ा है, हमारा साइज छोटा है। स्मॉल और सोर आ गया तो क्या क्या, स्वीट एंड बिग फ्रूट के जगह स्मॉल फ्रूट एंड बिटर टेस्ट आ गया तो उल्टा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा केओस नहीं हो सकता, ठीक ना। जो चीज हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है, उल्टा पुल्टा कैसे हो सकता है? जो कैरेक्टर हमें ध्यान में रख के कोशिश ही नहीं कर रहे बनाने के लिए, कैसे हो सकता है? तो सर ये किसी एक ही टाइप के प्लांट पे हो सकता है ना? यू कैन प्रैक्टिस दिस, ठीक ना, in any plant on this planet earth, कोई भी plant पे। टोमेटो इसी का एग्जाम्पल है क्या? No, tomato is an example of, no sir, pomato. अच्छा pomato, pomato is not, इसमें जीन नहीं डाले हैं हम लोग pomato में। pomato is an example of hybrid, is an example of hybrid, hybrid का example है, ठीक ना। हमने टोमेटो का साइटोप्लाज्म लिया है और पोटैटो का न्यूक्लियस लिया है, लाइक दैट, ठीक ना, वाइस वर्सा इसी तरीके से, दैट इज कॉल्ड पोमेटो। और सर हाइब्रिडाइजेशन क्या? नहीं हाइब्रिडाइजेशन इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच,
हाइब्रिडाइजेशन में हम जेनेटिक लेवल पे काम नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में वी डील अबाउट पोलन, ठीक ना, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन पे डील करते हैं। हाँ जी, बायोटेक में यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दें, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एलिफेंट का जीन ये जो डालना चाहते हो चूहे के अंदर, यू कैन इंसर्ट। सर फॉरेंसिक में डीएनए टेस्टिंग कैसे होता है? बायोलॉजी अभी जान लेगा जी, क्लास नाइन्थ में ही। सर आप बताए थे ये वाला पिछले साल। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? एक जेल ट्यूब, एक जेल ट्रे होता है, उसके अंदर, ठीक ना, उसके अंदर घटना स्थल से जो डीएनए मिलता है उसको यहाँ इंसर्ट करते हैं, और बाकी वेल्स में जो सस्पेक्ट होते हैं ना उनका डीएनए इंसर्ट करते हैं। ओके, दिस इज, इसको हम लोग मार्कर बोलते हैं, ये सस्पेक्ट है, ए बी सी और सस्पेक्ट इस जेल को रन करवाते हैं, इसके अंदर डीएनए मूव करता है, डीएनए मूव किया, डीएनए मूव किया, ठीक ना, इस तरीके से, इस तरीके से। अब बताओ, हम अब कंपेयर करेंगे ये जो रीडिंग आ रखा है ना डीएनए का जेल ट्रे के अंदर, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि घटनास्थल से जो डीएनए मिला हुआ है वो किससे मिलता जुलता है। ए वाले से मिलता जुलता है, मतलब ए इज द कल्प्रिट। लंबा चौड़ा प्रोसेस है यार, आसानी से नहीं होता ये। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है तुम्हें ये जानना पड़ेगा, ये डीएनए हम कैसे निकाले वो जानना पड़ेगा, है ना, ठीक है, क्यूरियोसिटी रखो, अच्छी बात है। सर जस्ट लाइक इवोल्यूशन कोई डिग्रेडेशन नाम का चैप्टर है बायोलॉजी में? ना, डिग्रेडेशन नहीं, डिग्रेडेशन नहीं है, इवोल्यूशन ही है, ठीक है, इवोल्यूशन में डिग्रेडेशन शब्द नहीं आता। यदि डिग्रेडेशन भी हो रहा है ना तो उसको हम लोग इवोल्यूशन ही कहेंगे, डिग्रेडेशन नहीं कहेंगे। ओके, और स्वयं और पूछो, नहीं छोड़ो अब, नहीं क्लास खत्म करते हैं, अगले दिन बहुत समय देंगे तुम लोग को बायोटेक पूछने के लिए और एक्स वाई जेड पूछने के लिए, ठीक है। अभी किसका क्लास है? फिजिक्स का, फिजिक्स है अभी, ठीक है, अभी आप लोगों का फिजिक्स का क्लास होगा। आई एम साइनिंग ऑफ, और आज तक जितना पढ़ाए हैं बुकलेट से पढ़ेंगे, क्वेश्चन राइज करेंगे, ठीक है, ओके, आई एम साइनिंग ऑफ।